गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर वी डिस्कस अबाउट इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे टू असेस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं ओवर द वेब। ये हमें कई तरीकों से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। हमारे पास सो मैनी वेज हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को असेस कर सकते हैं। फर्स्ट है, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड में हम कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये TCP/IP प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करके इंटरनेट को असेस करते हैं। हर एक कंप्यूटर के अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ये यूनिक आईपी एड्रेस क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है वो इस नंबर में होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 110.22.33.114। ये क्या है, ये सेट है कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस का, जिसके हेल्प से हम इसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। ये हमें DNS प्रोवाइड करता है। DNS मीन्स डोमेन नेम सर्वर। इसकी हेल्प से हम इंटरनेट को असेस कर सकते हैं और आईपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास है इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट के सो मैनी एप्लीकेशंस होते हैं इंटरनेट की, जैसे है सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। इसकी हेल्प से हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। सर्चिंग एंड ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन अचीव मीन्स हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। कॉपिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर कंप्यूटर बिटवीन कंप्यूटर में हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मीन्स जैसे सभी ने अपने आजकल मोबाइल बैंकिंग ली हुई है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को सेंड कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फाइनेंशियली हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ट्रांजेक्शन किसकी हेल्प से होती है, इंटरनेट की हेल्प से होती है। नेविगेटिंग, नेविगेटिंग मीन जो हमें नेविगेशन प्रोवाइड करता है, ये सभी आजकल तो हर किसी की कार्ड में होता है, फोन में भी होते हैं, गाड़ी में होती है, स्कूटर में होती है। तो ये हमें नेविगेशन, हमें रूट वगैरह डिफाइन करता है। प्लेइंग इंटरेक्टिव गेम, हम जो कहते हैं ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं किसी के साथ भी थ्रू इंटरनेट। वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग, हम गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं ऑनलाइन। चैट और वीडियो कम्युनिकेशन मीन्स हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो चैटिंग हो, चाहे वो वॉइस कम्युनिकेट हो, चाहे वो डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। आगे हमारे पास है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी मीन्स ISP। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें इट्स अ कंपनी ऑफरिंग एसेस टू इंटरनेट। ये हमें काफ़ी तरह के इंटरनेट को असेस करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है फर्स्ट इंटरनेट असेस। इंटरनेट असेस क्या होता है? इंटरनेट असेस में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जन इंटरनेट को असेस कर सकते हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, किसी भी कहते हैं हमें अगर इंटरनेट को असेस करना, अगर हमने कोई साइट वगैरह बनाई है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो कहते हैं हमें अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। डायल अप इंटरनेट असेस में क्या होता है, डायल अप इंटरनेट असेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट असेस दैट यूज द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच टेलीफोन वर्क टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड बाय डायलिंग अ टेलीफोन नंबर और कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन, ठीक है। ये इंटरनेट असेस हो गया, कहते हैं टेलीफोन लाइन में टेलीफोन की लाइप्स हेल्प से होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन असेस क्या कर सकता है, ये प्राइवेट टेली कम्युनिकेशन सर्किट है। ये क्या करता है, टू और मोर लोकेशन प्रोवाइड असेस अकॉर्डिंग टू कमर्शियल कनेक्शन। ये दो से ज़्यादा लोकेशन को प्रोवाइड करता है, डिफाइंड
डिफाइन करता है, ये अकॉर्डिंग टू कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा आईएसपी। आईएसपी टाइप्स, हमारे पास सिक्स तरह की आईपी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, मेल बॉक्स प्रोवाइडर, होस्टिंग आईएसपी, वर्चुअल आईएसपी, फ्री आईएसपी। एक्सेस प्रोवाइडर क्या करता है, ये अपने कस्टमर को कनेक्शन अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने के लिए डायलअप, डिजिटल सब्सक्राइबर, फाइबर ऑप्टिकल सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है ये अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। मेल बॉक्स प्रोवाइडर क्या करता है, ये हमें मेल प्रदान करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ईमेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होस्टिंग आईएसपी। होस्टिंग आईएसपी ये कंपनीज क्या करते हैं, ईमेल सेवा, वेब होस्टिंग सेवा, वर्चुअल सर्वर, अकाउंट एक्सेट्रा, ऐसी हमें जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल आईएसपी। वर्चुअल आईएसपी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कस्टमर्स को नेट तो प्रोवाइड कर रही हैं, बट ये क्या कर रही हैं, अपनी कंपनी के नाम से प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री आईएसपी क्या करता है, ये कस्टमर्स को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, बट ये टोटली फ्री होती है, मीन्स इसका ये कोई चार्ज वगैरह नहीं लेता। ठीक है, आगे होता है हमारा मॉडम क्या होता है, ये तो आपने पहले सुना होगा मॉडम क्या होगा। मॉडम क्या करता है, हम मॉडम के हेल्प से अपने कंप्यूटर में जो नेट हमारा है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस है उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडम क्या करता है, ये इंटरनेट को एक्सेस करवाता है, ये कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस इनटू एनालॉग सिग्नल दैट कैन बी सेंट ओवर टेलीफोन स्टैंडर्ड लाइंस। ये डिजिटल सिग्नल्स जो हमारे कंप्यूटर्स के हैं उनको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में थ्रू, ताकि हम जो भी है वो अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं ओवर द टेलीफोन लाइन। ठीक है, हमारे पास होता है गया। नेक्स्ट है व्हाट इज मॉडम। मॉडम क्या करता है, वही मैंने जो अभी आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मॉडम। टाइप्स ऑफ मॉडम में डायरेक्शनल कैपेसिटी में आता है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, कनेक्शन टू द लाइंस में आता है टू वायर एंड फोर वायर्स मॉडम, ट्रांसमिशन मोड में आता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, द हाफ डुप्लेक्स मॉडम डाटा ट्रांसफ़र करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एट अ टाइम। अगर एक करियर को डिटेक्ट किया जाता है तो लाइन में मॉडम के द्वारा तब भी एक इंडिकेशन देता है इनकमिंग करियर में डीटी, एक कंट्रोल सिग्नल के माध्यम से अपने डिजिटल इन्फॉर्मेशन में ये इंडिकेट करता है कि अभी हमने एक डाटा को ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी दूसरे डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। फुल डुप्लेक्स में होता है, फिर इसमें हम साइमल्टेनियसली हम एक डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बोथ डायरेक्शंस में। ठीक है, इसलिए इसमें दो करियर होते हैं, एक होता है आउटगोइंग करियर, एक होता है इनकमिंग करियर। अभी हमारे पास आते हैं फोर वायर मॉडम आते हैं और टू वायर मॉडम आते हैं। फोर वायर मॉडम में हम क्या होते हैं, हमारे एक पेयर होता है जो डाटा को ट्रांसमिट करता है और एक पेयर होता है जो डाटा को रिसीव करता है। टू वायर में होता है जो हमारा एक पेयर है यही पेयर हम डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं और यही पेयर हम डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असिंक्रोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन मॉडम। सिंक्रोनस मॉडम, असिंक्रोनस मॉडम स्टार्ट और स्टॉप बिट की मदद से आसानी से डाटा बाइट को हैंडल कर सकते हैं। इसमें कोई सेपरेट टाइमिंग सिग्नल या क्लॉक नहीं होता मॉडम और डीटीए के बीच में। इसमें इंटरनल टाइमिंग पल्स को रैपिडली सिंक्रोनाइज किया जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास है सिंक्रोनस मॉडम। सिंक्रोनस मॉडम आसानी से एक कंटिन्यू स्ट्रीम ऑफ डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत होती है। इसमें डाटा बिट्स हमेशा सिंक्रोनाइज होती है क्लॉक सिग्नल से। इसमें सेपरेट क्लॉक होते हैं और डाटा बिट्स के लिए जिन्हें ही ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। डाटा बिट्स के सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए डीटी अपनी इंटरनल क्लॉक और सप्लाई को समान ही दी जाती है मॉडम में। ठीक है, आगे हमारे पास है फंक्शन ऑफ मॉडम।
फंक्शन ऑफ मॉडम आप सभी ने पढ़ा तो पहले पीछे पढ़ा ना भी मॉडम क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। अभी हमने पढ़ना है भी मॉडम के फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या 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 काम करता है। इसमें होता है मॉड्यूलेट सिग्नल। मॉड्यूलेट सिग्नल में ये क्या करता है, सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, डिकोड इनकोड करता है, ठीक है, डाटा को कंप्रेस करता है ताकि ये टाइम कम कंज्यूम करे और जो हमारा जो सिग्नल्स है वो कम, कहते हैं डाटा रिकम्प्रेशन टेक्निक, रिड्यूस द साइज ऑफ द सिग्नल नीडेड टू सेंड द रिक्वायर्ड डाटा। एरर करेक्शन को क्या करता है, अगर हम उसमें कोई एरर आया तो ये एरर को करेक्शन करता है थ्रू द चेकसम। फ्लो को कंट्रोल करता है। मॉडम स्पीड को क्लासिफिकेशन करता है। द स्पीड ऑफ मॉडम इज टिपिकली क्लासिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन सेंड इन टू अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। थैंक यू।